हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। रूम टूर जहाँ पे हमने आज रात स्टे किया था, ये रहा कुछ ऐसा रूम, ये रहा पूरा रूम कुछ ऐसा है। और रूम्स के अंदर से व्यू और कुछ इधर से भी ये व्यू है रूम का। धूप पड़ रही है और कुछ मेरा व्यू ये रहा। और आपको वॉशरूम दिखाता हूँ कैसा है। ये रहा कुछ ऐसा वॉशरूम है, गीजर भी है। और एक बार और फिर से बता दूँ, ये रूम लिया था हमने 2800 का और एक गद्दा लिया था 200 रुपये का, तो ये पड़ा हमें 3000 का। पर हाँ, 3000 का रूम है, नेगोशिएबल है, जायज है। चलो चलते हैं। चलते हैं। और ये रहा कुछ होटल के बाहर का व्यू, ऐसा व्यू है। और वो खड़ी हमारी गाड़ी, यहाँ है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है। और वो खड़ी हमारी गाड़ी, ये रहा कुछ रेस्टो के बाहर का व्यू। और ब्रेकफास्ट हो गया है अपना। सो दोस्तों, चल दिए हैं यहाँ से, बाय बाय बोलते हैं शिमला को और शंकर भगवान का नाम लेते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। जर्नी अच्छी है हमारी आज की, आज हमारी ट्रिप का लास्ट डे है, शाम तक या रात तक घर पहुंच जाएंगे, 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे। सोलन रह गया है भैया 48, चंडीगढ़ 110 यहाँ से। दोस्तों सोलन पहुंच गए हैं हम, और सोलन में देखो प्यूमा का शोरूम भी है। और चंडीगढ़ रह गया है 71 किलोमीटर यहाँ से। और अगर रोड की बोले तो रोड कैसी रोड है, बिल्कुल मक्खन रोड है। नारकंडा तक मतलब एक आध गड्ढा ही मिल सकता है, वैसे गड्ढा नहीं है, कोई सी भी गाड़ी ला सकते हो आप। पर एक साल के बोलते हैं तो ना कि पोर्शे यार ये नहीं आ सकती, सब आएंगी, रोड इतनी मक्खन हो रही है। उसी साथ से टोल भी ले रहे हैं, टोल भी काफी अच्छा है टोल पर। सो दोस्तों, अब पहाड़ों को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि जहाँ से पहाड़ स्टार्ट होते हैं वो परवानू टोल टैक्स भी 1 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया हमने। बस 3-4 किलोमीटर के और पहाड़ रह रहे हैं, और उसके बाद हम समतल पे आ जाएंगे कालकाजी जिले में। और कुछ बाइक राइडर को दिखाता हूँ कैसे जा रहे हैं। चलो चलते हैं यहाँ से। और सो दोस्तों, अब हिमाचल से हम पंजाब में एंटर कर रहे हैं, और यह लास्ट बोर्ड हिमाचल का हो गया कि नहीं। आ गया है भैया चंडीगढ़ टोल, और ऊपर लिख रहा है चंडीगढ़ अंबाला एक्सप्रेस वे, तो चंडीगढ़ टोल। दोस्तों करनाल रह गया 76 और दिल्ली रह गया 201, तो अभी 200 किलोमीटर हमें चलना है। सीएनजी डलवाने के लिए रुके हैं, ये डल दी सीएनजी, तीन सीएनजी है ये भैया, 4 किलो, रेट है 94। कुरुक्षेत्र से 10 किलोमीटर पहले ये जगह, और यहाँ में और गाजियाबाद में 12 रुपए का अंतर है सीएनजी में। गाजियाबाद है 82
और यहाँ पर है 94। और अभी करा रहे हैं हम गाड़ी में हवा फुल, और आपको एक आदमी से मिलाता हूँ जो हमारी गाड़ी का ड्राइवर है। येरा शिमला से एक सांस ले आया ये। हाँ येरा ये बैठा। अब इससे पूछो ये टैक्सी ड्राइवर बनना चाह रहा है, क्या बनना चाह रहा है? रोक ही नहीं रहा है यहाँ पे, सीएनजी के मारे रोकी है, वरना बोल रहा था अमृत सुखदेव रोकूंगा, पानी के लिए भी नहीं रुक रहा है ये। हाँ पता भी क्या बनना है तुझे पता? हाँ इसे बनना है पायलट, तो इसके लिए कोई छोटा जहाज दिला देंगे हम। हाँ अब नेक्स्ट कौन सी जगह पर रुकेंगे पूछते हैं हम अपने भाई से। हाँ भाई कहाँ रुकेंगे? अमृत सुखदेव। अब रुकेंगे हम अमृत सुखदेव, तो आपको मिलते हैं वहीं। सो दोस्तों इस ट्रिप का एक और टोल आ गया है, पर यार एक चीज समझ में नहीं आई, उधर से आने वालों के लिए तो 6-7 वहाँ टोल, इधर से जाने वालों के लिए बस 2 ही हैं। आधा घंटा हो गया है और वैसे फास्ट टैग है। काहे का फास्ट टैग है जब नंबर ही ना आ रहा, आधा घंटा खड़े हैं हम। कैश वाली में 20 मिनट में नंबर आ जा, और फास्ट टैग वाली मारा आधा घंटे में। तो भाई कैसा लग रहा है जाम में खड़े हुए? मजा आ रहा है? बहुत बुरा, मजा भी आ रहा है। अगर कोई जल्दी निकलेगा घर से तो फास्ट टैग वाले टोल वाले जल्दी ना जान देने के हैं। वो उतना ही टाइम कर देंगे। हाँ उतना ही टाइम खत्म कर देंगे, तो अपना एक घंटा लेकर पहले चलो जिस रास्ते में 5-6 टोल पड़ते हों। टोल तो बता दे कहाँ का है। सोनीपत वाला टोल है। पहले वाली बात नहीं है, पर हाँ ठीक है। और एक चीज हो रहा है यार, पता ना यार सारा दिल्ली हरियाणा पंजाब अमृत सुखदेव भी खा रहे हो, इतनी भीड़ पार्किंग भी ना मिली है, आए थे इसलिए यहाँ रुक के जा रहे हैं। ये रहा देखो अमृत सुखदेव, ये रहा। सो दोस्तों करनाल हाईवे छोड़ दिया है, अब चढ़ रहे हैं हम ईपी पे। ईपी पे ही है ना? ईपी ईस्ट पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। ये रही भैया ईपी की फुल फॉर्म, वेलकम टू ईस्ट पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। विराट कोहली ने 166 रन बनाए। भाई वाह, मजे कर दिए विराट कोहली ने। पर एक चीज और दिखाता हूँ आपको, बहुत प्यारी चीज है सनसेट। कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ टाइम हो रहा है 5:45 है, और घर रह गया हमारा 27 किलोमीटर। सो दोस्तों 4 दिन घूमने के बाद अपने गाजियाबाद में वापसी आ गए हैं, और कुछ हवा ही अलग है कि हैं। हाँ भाई अपने यहाँ का मन ही अलग अलग है, कहीं घूमियो अपने यहाँ अपना बंदा एक सुकून से मिलने लगे एकदम कि हाँ चलो आगे। सो दोस्तों घर आ गया है, अब ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है, और आपसे एक बात बोलनी है कि अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो शेयर कर दिया करो अपने से, मतलब आपने देखा तो अपने जानने वाले को एक दो को 2-4 को ब्लॉग शेयर कर दिया करो, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है यार ब्लॉग बनाने में, 2-3 घंटे एडिटिंग में, और जब व्यू नहीं आते तो बहुत फर्क पड़ता है। इससे क्या फायदा होगा, इससे इनको मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और अगर आप कमेंट करोगे तो और मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो यही बोलना था, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।